हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इशिता हाउस फैक्ट्री आउटलेट। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त कोमल। अभी जो है हम यहां पर सूरत स्टेशन आए हुए हैं और यहां पर जो है आपको बता दूं मैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि किस तरफ से आना है, हमें आइडिया नहीं आ रहा है। तो यहां पर बेसिकली चार अलग अलग प्लेटफॉर्म है, आपको जो आना है वो फर्स्ट नंबर के प्लेटफॉर्म पर आना है फर्स्ट, और यहाँ से जो है आप बाहर के साइड पर मेन एंट्रेंस पर आपको आने हैं। दो एग्जिट है, एक फर्स्ट जो है वो यहाँ पर फर्स्ट प्लेटफॉर्म के साइड पर है, जो लास्ट वाला है फोर्थ वाला उसके साइड पर भी एक एग्जिट डोर है, वो वहाँ पर भी है। सो आपको जो है इशिता हाउस जब भी आ रहे हो तो आपको जो है फर्स्ट नंबर वाले प्लेटफॉर्म के साइड पर आना है एंड बाहर का एग्जिट आपको यहाँ से मिलेगा। आज पूरा वीडियो हम शूट कर रहे हैं ताकि आपको जो है टोटली जो है रूट आपको आइडिया आ जाए कि किस तरफ से आप जो है यहाँ पर आ रहे हो बाय ट्रेन, तो आपको किस तरीके से हमारे जो स्टोर है वहाँ तक आप पहुँच पाओगे। आप यहाँ पर नीचे आ जाओगे या फिर आप प्लेटफॉर्म के बाहर आ जाओगे तो जो नीचे का पूरा ग्राउंड एरिया है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ओवरऑल भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि दो यहाँ पर भी जो है एंट्री एग्जिट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे हम जो है फ्रंट साइड के साइड पर है, ये जो है हमारा एंट्री गेट रहता है और यहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बाहर से आ रहे हो, आउट ऑफ सूरत से आ रहे हो, तो आपको जो है यहाँ से एग्जिट डोर पर जाना है जो कि आप आओगे उसके लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ेगा। और आइए यहाँ पर जो है किस तरीके से क्या क्या सुविधाएं हैं। यहाँ पर ऑटो आपको मिल जाएगी, यहाँ पर टैक्सी भी आपको मिल जाएगी, पर इशिता हाउस का बेनिफिट ये रहने वाला है कि यहाँ पर जो है हम पिकअप एंड ड्रॉप सुविधा जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जब भी आ रहे हो तो एक बार हमारे जो टीम एग्जीक्यूटिव है उनको आप एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिए ताकि आपके साथ जो है कोई भी तरीके का फ्रॉड वाली चीज़ें जो होती है वो ना हो, क्योंकि आप यहाँ पर जो है एक अजनबी को देखकर जो है यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें फ्रॉड होती है। सो आप भी अगर आ रहे हो तो मेक श्योर ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है आपको हमारे टीम एग्जीक्यूटिव के साथ जुड़ना है और वहाँ से आपको जो है पिकअप करने के लिए ऑटो या फिर टैक्सी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आइए बाहर का भी व्यू जो है वो हम दिखाते हैं। जैसे कि ये जो है एग्जिट डोर है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो एग्जिट लिखा हुआ है, तो आपको जो है एग्जिट डोर तक आना है और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनको आपको जो कांटेक्ट किया हुआ होगा ऑलरेडी तो उनको कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आप रात के टाइम पर आ रहे हो तो आपको जो है यहाँ पर होटल्स भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, पर इसके लिए जो है आपको एडवांस में हमें इन्फॉर्म करके रखना पड़ेगा कि आप ये टाइम पर आने वाले हो ताकि हम जो है आपकी प्रॉपरली हेल्पफुली जो है आपको गाइड भी कर सके और किस तरीके से आपको आना है और वो सब चीज़ें भी आपको समझा सके। यहाँ पर आप बाहर जैसे ही आओगे आपको जो है यहाँ पर बहुत सारी ऑटोज़ वगैरह मिल जाएंगे और साथ में यहाँ पर टैक्सीज भी मिल जाएगी। सो बाय चांस सपोज़ ऐसा कुछ होता है कि आपको हमारे यहाँ पर आना है तो आप ज़रूर हमारे टीम एग्जीक्यूटिव को कॉल कर लीजिए, यहाँ से ऑटो आपको मिल जाएगी। हम जो है यहाँ पर ऑटो में बैठ चुके हैं और अब जो है आपको पूरा रास्ता जो है वो आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लगे और आपको जो है इजी रहेगा समझने में भी कि आप जब यहाँ पर विजिट करोगे तो पूरा जो रास्ता रहेगा वो किस तरीके से होगा। जैसे ही आप एग्जिट डोर से बाहर आते हो लेफ्ट हैंड साइड से जो है आपको यहाँ से जाना रहेगा। आप यहाँ पर एक पुल आएगा जिसके नीचे से ही आपको पूरा लेफ्ट टर्न लेना है
और लेफ्ट टर्न होने के बाद यहाँ पर जो है, जो लोग यहाँ पर विजिट कर चुके हैं उनको आइडिया रहेगा ही कि यहाँ पर जो है पूरा मार्केट एरिया स्टार्ट हो जाता है जो कि रिंग रोड पड़ता है। पर हमें रिंग रोड में नहीं जाना है, रिंग रोड पर अपना स्टोर नहीं है इशिता हाउस, पर ये पूरा रास्ता जो है वो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जो रास्ते का टाइमिंग जो लगेगा वो 15 to 20 minutes लगने वाले हैं। पर अगर रश हुआ, क्योंकि मार्केट एरिया है तो कई बार होता है कि ट्रैफिक की वजह से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आने में, तो आधा घंटा भी हो सकता है। हम लोग को कहीं से भी नीचे के रास्ते से नहीं जाना है। अभी जो है एक पुल ब्रिज जो है वो आपको स्टार्ट मिलने वाला है और ब्रिज टू ब्रिज ही आपको कंटिन्यू जाना है, क्योंकि अगर आप नीचे से कहीं से भी आप ट्रैवल करके आओगे तो 100% नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी क्योंकि मार्केट एरिया है। सो आपको जो है कंटिन्यू यहाँ पर जैसे आगे हम दिखा रहे हैं ब्रिज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो है आपको कहीं पर भी नीचे जो है वो टर्न नहीं लेना है या नीचे कहीं पर भी नहीं जाना है, क्योंकि नीचे पूरा मार्केट एरिया है। आप देख ही सकते हो आसपास जो है बहुत सारे मार्केट्स हैं और ये रिंग रोड कहलाता है। तो आपको अगर रश में फंसना नहीं है, ट्रैफिक में फंसना नहीं है, तो आप डायरेक्ट जो है वो ब्रिज टू ब्रिज ही आइए। यहाँ पर आगे भी जो है एक ब्रिज आ रहा है, पर आपको वो ब्रिज बिल्कुल भी नहीं लेना है। खास करके ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्रिज के नीचे से ही आपको जाना है और आगे जा कर के हमें ऑलमोस्ट 300 मीटर पर फर्स्ट राइट लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो पेट्रोल पंप भी रास्ते में आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा ईजी होगा समझने में। और जैसे मैंने बताया कि ब्रिज से जो है आपको नीचे के साइड पर आना है, वहाँ से आपको अंदर के साइड से राइट लेना है, फर्स्ट राइट।
इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे हम बताते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो बड़े बड़े आउटलेट्स होते हैं उस तरीके के, वो सारी जगह जो रहते हैं वो कुछ इसी तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है। और यहाँ पर जो है, आप जब आते हो तो यहाँ पर हमें एक और राइट टर्न लेना है जो कि यू टर्न रहेगा हमारा, और यहाँ पर हुंडई का शोरूम है तो वो आपको यहाँ पर देखना रहेगा। और हुंडई के शोरूम के एग्जिट बाजू में ही जो है आपको यहाँ पर इशिता हाउस देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमारी जो ऑटो है वो आपको यहाँ तक छोड़ने वाली है। सो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं इशिता हाउस फैक्ट्री आउटलेट। सो आप भी जब यहाँ पर आ रहे हो तो हमने थोड़ा सा रूट आपको दिखाने का ट्राई किया है, ताकि आप जब यहाँ पर विजिट करो तो आप, सपोज अगर आप हमारे ऑटो से नहीं आ रहे हो तो भी आप यहाँ पर जो है इजीली पहुँच पाओगे। इंडस्ट्रियल एरिया है तो बहुत सारे कस्टमर्स की ये रिक्वायरमेंट्स आ रही थी कि हमें अगर यहाँ पर विजिट करना है तो हम डायरेक्ट कैसे आ सकते हैं। सो ये तो हमारा जो है ट्रेन बाय ट्रेन, अगर आप आते हो और आप अपने हिसाब से आना चाहो तो आप यहाँ पर जो है डायरेक्ट आ सकते हो। बाकी हमारे यहाँ पर जो है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक गूगल की लिंक शेयर की हुई है जिसमें आपको एड्रेस मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप सिर्फ इशिता हाउस फैक्ट्री आउटलेट भी आप सर्च आउट करोगे तो हमारा यहाँ का एड्रेस जो है वो आपको गूगल मैप पर भी शो हो जाएगा। सो यहाँ पर आने के लिए आपको सिर्फ हमारे टीम मेंबर्स का भी अगर आप कॉन्टेक्ट कर लोगे तो ऑटो या तो फिर टैक्सी आपको लेने के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप रहने के लिए, मतलब एक दो दिन रुकने भी वाले हो, या फिर आप ऐसा कुछ है कि नाइट में आप पहुँचोगे, तो भी आप अगर एडवांस जो है हमें इन्फॉर्म करके रखोगे तो बेटर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको होटल्स भी जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे, फूड भी आपको अरेंज करवा देंगे, और यहाँ पर आने तक का सारा जो मतलब आपको जो है यहाँ पर गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर जो है आ सकते हो। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।